लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों यीशु नासरी के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में होती रहे और आपको मिलती रहे, आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग तो थंबनेल पे वीडियो का देखकर आप पहचान गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आप बिल्कुल जो थंबनेल पे लिखा गया है वही आज का टॉपिक है, यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना सीखें। और यीशु मसीह भी अपने तरह प्रार्थना करना हमें और आपको सिखाया है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ निकाल लेंगे लुका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 42वां वचन। वहां पे लिखा हुआ है, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरे हमारे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते थे। परमेश्वर से इच्छा पूछते थे कि आपकी जो इच्छा है वो हमारे जीवन में प्रबल हो और वैसा ही हो। मेरे मसीह भाई बहनों, और मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय का 10वां वचन में भी, वहां पे भी यीशु मसीह ने हमें और आपको इसी प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया। लिखा है वहां पे, वहां पे लिखा हुआ है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। यानी कि घूम फिर कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का हमें प्रार्थना करना सिखाता है। अब जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे मेरे मसीह भाई बहनों, तो एकांत में होकर प्रार्थना किया करते थे। अगर आप इसी तरह आप प्रार्थना करते हैं एकांत में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो चलिए हम बताएंगे, आप निकालेंगे मत्ती सुसमाचार से उसका 6 अध्याय का 6 वचन पे भी यही लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से मांग, और तेरा पिता जो गुप्त में आपको जो देखता है प्रार्थना करके, तो वो आपको प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर देता है। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे तो वो अपने चेलों से हट कर प्रार्थना करते थे। जहां चेले थे रहते थे वहां पर कभी भी वो पर्सनल प्रेयर नहीं करते थे, पर्सनल प्रार्थना नहीं करते। जब भी पिता से उनसे कुछ बातें करना होता था, कुछ मांगना होता था, परमेश्वर की इच्छा पूछना होता था कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, तो वो गुप्त में होकर प्रार्थना किया करते थे। मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप भी इसी वचनों के अनुसार मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 6 वचन के अनुसार आप भी गुप्त में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। यीशु मसीह भी इसी तरह से प्रार्थना करते थे। इसे ही मैं आपको सिखाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यही परमेश्वर की यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह की तरह आप भी इस तरह से प्रार्थना किया कर सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे।